हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीपी सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लॉक का हमारा लेक्चर 4। हमारा ये जो लेक्चर 4 है वो लेक्चर 3 का कंटिन्यूएशन है। तो अगर आपने अभी तक क्लॉक का लेक्चर 3 नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने से पहले क्लॉक का लेक्चर 3 जरूर देखें। चलिए चालू करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। अब हमने पिछली क्लास में देखा कि किसी भी दो दिए गए समय के बीच में कौन सा ऐसा समय होगा जब घड़ी की दो सुइयां या तो 0 डिग्री के एंगल पे होंगी, या तो राइट एंगल होंगी मतलब 90 डिग्री के एंगल पे, या तो 180 डिग्री का एंगल बनाती होंगी। अब आज हम देखने वाले हैं ऐसे सवाल जिसमें अगर वो 0 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री के अलावा भी कोई एंगल दिया हो तो हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, हमने कल ही डिस्कस किया है इस बात को कि हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और वो एकमात्र फॉर्मूला आपके सारे सवाल हल करने वाला है, और वो फॉर्मूला है टी इक्वल्स टू 2/11 30 इंटू एक्स प्लस माइनस थीटा। और यहाँ पे वो थीटा वो एंगल है जिस एंगल के बारे में हमसे बात करेगा। हमने देखा कि अगर हमारा थीटा 0 था तो हमने थीटा पे 0 रखा, राइट एंगल के केस में हमने थीटा को 90 रखा और अपोजिट के केस में हमने थीटा को 180 रखा। अब ऐसे सवालों में कोई भी अंतर नहीं है जहाँ पे आपको जो थीटा हो मतलब जो एंगल आपसे पूछता हो वो 0, 90 और 180 के अलावा हो। सिर्फ आपको थीटा के जगह पे वो एंगल रख देना है जो एंगल आपसे सवाल में पूछा जाता है, और ये सवाल बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने पहले सॉल्व किया। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल 40 का। और ये सवाल है कि 3 से 4 के बीच में कौन सा ऐसा समय होगा जब थीटा 50 डिग्री का होगा। तो मुझको यहाँ पे थीटा तो पता है, तो चलिए अगर मैं बात करूँ टी इक्वल्स टू 2/11 30 इंटू 3 प्लस माइनस 50। ध्यान रखें यहाँ भी प्लस माइनस 50 का इस्तेमाल होगा क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया कि कोई भी ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो वो 1 घंटे में 2 बार बन सकता है। क्यों? एक बार तब जब मिनट हैंड ने आर हैंड को क्रॉस नहीं किया होगा और एक बार तब जब मिनट हैंड ने आर हैंड को क्रॉस कर दिया होगा। तो यहाँ पे मैं इसको लेने वाला हूँ एक बार 2/11 30 इंटू 3 इज 90 प्लस 50, और एक बार मैं इसको लेने वाला हूँ 2/11 90 माइनस 50। इसके हिसाब से ये हो जाएगा इंटू 140 और ये हो जाएगा 2/11 इंटू 40। अब अगर मैं इसको करूं 14 × 28 ये हो गया 280 अपॉन 11 और ये हो गया 80 अपॉन 11। चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। अगर मैं 280/11 करूं 14 × 28 यस, तो अगर मैं करता हूँ 11 × 22 यहाँ बचता है 6, यहाँ बचता है 0, 11 × 5 = 55। इसका मतलब यह है कि यहाँ बचा 5, इसका मतलब यह है कि वो जो समय है वो है 3:25 5/11 सेकेंड, एक वो जब इसने क्रॉस कर दिया होगा, क्योंकि हम यहाँ पे प्लस साइन यूज किया, प्लस साइन का मतलब वो टाइम होता है जब मिनट एंड ने आर एंड को क्रॉस कर दिया है। और अगर मैं 80/11 करता हूँ तो 11 × 7 = 77, बचता है यहाँ पे 3। इसका मतलब यह है कि एक समय होगा 3:07 3/11 सेकेंड। देखिए, ऐसे क्वेश्चन हमारे पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल भी अलग नहीं है। सिर्फ हमको यहाँ पे थीटा 0, 90 और 180 के अलावा कोई और एंगल दे सकता है। उसी तरीके से अगर आपको ये थीटा 30 डिग्री पूछे और हमको समय दिया हो 2 से 3, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस थीटा के जगह पे रख देना है 30 डिग्री। ये जो एक्स होगा ये हो जाएगा आपका 2, बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी हमने सवाल किया। और फिर आपको एक बार प्लस और एक बार माइनस के लिए सॉल्व कर लेना है। प्लस आपको वो जवाब देगा जब मिनट हैंड ने आर हैंड को क्रॉस कर लिया होगा, और माइनस आपको वो सवाल देगा जब मिनट हैंड ने आर हैंड को क्रॉस नहीं किया होगा। अब अगर हम बढ़ें अपने अगले तरीके के सवाल की ओर, तो अभी तक हमको कोई ना कोई एंगल दिया होता था, या तो 0 डिग्री, या तो 90 डिग्री, या तो 180 डिग्री, या फिर कोई भी रैंडम एंगल, और हम उसके लिए एक ही फॉर्मूला यूज करते थे जो कि था हमारा टी इक्वल्स टू 2/11 30 इंटू एक्स प्लस माइनस थीटा। पर अगर मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सवाल हो जिसमें आपको थीटा ना देके आपसे समय का डिफरेंस पूछता हो, जैसे ये पहला सवाल है कि एट वॉट टाइम बिटवीन 4 एंड 5 आर द हैंड्स 2 मिनट अपार्ट। अब आपसे ये पूछता है कि 4 से 5 के बीच में जो मिनट और आर की जो सुइयां होंगी वो कब 2 मिनट्स अपार्ट होंगी। देखिए, हमारा जो फॉर्मूला है वो टाइम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हमारा जो फॉर्मूला है वो थीटा के लिए एप्लीकेबल है। पर हमको ये बात पता है, हमने ये पहले भी कैलकुलेट कर रखा है कि मिनट की सुई 1 मिनट में, ये जो एक डंडी है वो मिनट को बताती है, वो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करती है। इसका मतलब ये है कि अगर वो 2 मिनट की बात करता है तो इसका मतलब वो 2 मिनट में 12 डिग्री की बात करता है। अब ये मेरे पास 2 मिनट के लिए डिग्री आ गई, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में डिग्री का काम है। तो मैं फिर से वही लगाने वाला हूँ फॉर्मूला,
इंटू एक्स प्लस माइनस थीटा। अब आपको मेरे हिसाब से पता चल चुका होगा कि प्लस माइनस का रोल क्या होता है। अब अगर मैं अप्लाई करूं तो यहां पे ये हो जाता है 2 बाई 11, 30 इंटू 4, एक बार मैं करता हूं प्लस 12 और एक बार मैं करता हूं 2 बाई 11, 30 इंटू 4 माइनस 12। अब अगर हम इसका कैलकुलेशन करना चाहें तो ये होगा 2 बाई 11 120 प्लस 12 और ये होगा 2 बाई 11 120 माइनस 12। और अगर इसको मैं और सॉल्व करूं तो इन टू ये हो जाएगा 132 और ये हो जाएगा 2 बाई 11, ये हो जाएगा इन टू 108। अगर मैं 132 इंटू 2 करता हूं तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 264। दिस इज 264 अपॉन 11 और ये होने वाला है 108 इंटू 2, 8 2 जा 16, कैरी आ गया 1, 216 अपॉन 11। अब चलिए डिवाइड करते हैं। अगर मैं डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 264 अपॉन 11, 11 2 जा 22, ये बचेगा 4, यहाँ बचेगा 4, 11, ये तो बिल्कुल ही डिविजिबल है, वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि जो हमारा सवाल होगा, हमसे पूछा है 4 से 5 बजे के बीच, इसका मतलब ये है कि हमारा जो सवाल होगा वो होगा 4:24, इसमें सेकेंड की बात करेगा ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिविजिबल है। और अगर मैं 216 की बात करूँ, और अगर मैं 216 की बात करूं 11 से, तो 11 वन जा 11, यहाँ पे बचता है 10 और यहाँ पे बचता है 6 और ये होता है 11 नाइन जा 99। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 7, इसका मतलब ये है 4:19, 7:11 और ये आपके आंसर होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले कुछ सवालों की ओर। अब देखिए ये जो सवाल है इसमें पूछता है कि 5 से 6 के बीच में, बिटवीन 5 एंड 6, आर द एंगल्स 4 मिनट अपार्ट। मतलब 5 से 6 के बीच में कौन सा ऐसा समय होगा जब एंगल 4 मिनट अपार्ट होंगे। देखिए बात अभी भी वहाँ है, हमको पता है कि 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्री, इसका मतलब यह है कि 4 मिनट इक्वल्स टू 6 × 4, दैट इज 24 डिग्री, और हमको काम होता है डिग्री से। अब अगर मैं अपना फॉर्मूला लगाऊँ, टी इक्वल्स टू 2 बाई 11, 30 × x प्लस माइनस थीटा, तो यहाँ पे बस मुझको थीटा की जगह रखना है 24, मुझको x की जगह रखना है 5, सिर्फ इतनी सी बात है। इसका मतलब ये है कि t equals to 2 by 11, 30 into 5 plus minus 24। एक स्टेप और आगे करते हैं, t equals to 2 by 11, 150 plus minus 24। अब मेरे हिसाब से आप ये सवाल आगे सॉल्व करते हैं, आपको एक बार 150 प्लस 24 लेके सॉल्व करना है और एक बार 150 माइनस 24 लेके सॉल्व करना है। तो ये सवाल मैं आप लोगों के लिए आगे छोड़ता हूँ, आशा करता हूँ कि ये सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं हमारे अगले कुछ सवाल, जहाँ हमसे सवाल कुछ अलग तरीके से पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा सवाल है वो ये है कि 3 से 4 के बीच में इज द हैंड 7 मिनट्स अहेड। देखिए यहाँ पे सिर्फ सवाल पूछता है 7 मिनट्स अहेड, मतलब यहाँ पीछे की बात कर ही नहीं रहा। जैसे अभी तक जो हमारे सवाल थे उसमें पूछता था, देखिए यहाँ पे जो सवाल था वो था अपार्ट का, कि कब 5 से 6 के बीच में जो सुइयां होंगी वो 5 मिनट अपार्ट होंगी, मतलब दूर होंगी। जो पहला क्वेश्चन था यहाँ भी था अपार्ट, मतलब कब, अगर वर्ड अपार्ट है इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर सी बात है कि 4 मिनट की दूरी कब होगी। तो वो एक बार तब हो सकती है जब मिनट हैंड ने क्रॉस ना किया हो आर हैंड को, और वो एक बार तब हो सकती है जब मिनट हैंड ने आर हैंड को क्रॉस कर दिया हो। पर जब आपसे ये वर्ड बोले कि 4 मिनट्स 7 मिनट्स अहेड, इसका मतलब ये है कि ये सवाल सिर्फ उस वक्त के लिए पूछ रहा है जब मिनट हैंड ने आर हैंड को क्रॉस कर दिया हो, तभी तो वो अहेड की बात करेगा, आगे की बात करेगा। तो इसका मतलब ये है कि पहली बात तो वही कि 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्री, इसका मतलब ये है कि 7 मिनट्स इक्वल्स टू 7 × 6, That is 42 degree. तो हमको थीटा तो मिल चुका है, पर अगर जो मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ 2 by 11, 30 × x, ध्यान रखें यहाँ पे मैं सिर्फ प्लस लिखने वाला हूँ और मैं यहाँ पे माइनस नहीं लिख रहा, और मैं यहाँ पे करता हूँ थीटा। इसका मतलब ये है थीटा t equals to 2 by 11, 30 × 3 plus 24। ध्यान रखें मैंने यहाँ पे सिर्फ प्लस का इस्तेमाल किया है, मैंने माइनस का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि आपको ये बात मैंने पहले भी बता रखी है कि प्लस का मतलब होता है
ऐसा समय जब मिनट हैंड ने आर हैंड को क्रॉस कर दिया हो और हमसे सवाल भी तभी का पूछता है अहेड, मतलब जब मिनट हैंड ने आर हैंड को क्रॉस कर दिया हो। तो यहाँ पे हमको सिर्फ प्लस लेके सॉल्व करना है और अभी भी जो हमारा सवाल है वो बिल्कुल वैसा ही है। अब अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 के बीच में 4 मिनट्स बिहाइंड, इसका मतलब पीछे की बात करता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में आगे की बात करता था, यहाँ पे पीछे की बात करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो होगा t=2/11 30 × x। अब मैं यहाँ पे माइनस साइन का यूज करने वाला हूँ, क्यों? क्योंकि मुझको यहाँ पे वर्ड बिहाइंड का बात करता है और आपको पता है प्लस मिनट हैंड जब आर हैंड को क्रॉस कर दिया होता है तब का समय बताता है, और जब बिहाइंड मतलब जब मिनट हैंड ने आर हैंड को क्रॉस नहीं किया तो उस वक्त पे हमको माइनस साइन का यूज करना होता है। और ये जो x होने वाला है, इस x के जगह पे आप रखने वाले हैं 3, और इस थीटा के जगह पे क्योंकि हमको 4 मिनट्स की बात करता है और 1 मिनट 6 डिग्री के बराबर होता है, तो 4 मिनट 4 × 6 दैट इज 24 डिग्री के बराबर होने वाला है। तो ये जो थीटा होगा या 24 डिग्री रखेंगे। अब देखिए हमने जितने भी तरीके के सवाल पढ़ लिए, हमने पढ़ा 0 डिग्री, हमने पढ़ा 90 डिग्री, हमने पढ़ा 180 डिग्री, हमने पढ़ा कोई भी ऐसी डिग्री जो सवाल में दे, चाहे वो 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, कोई भी डिग्री जो वो देना चाहे। ध्यान रखें 0 से बड़ा और 90 से छोटे जितने भी एंगल होंगे वो 1 घंटे में 2 बार बनेंगे, तो आपको प्लस और माइनस दोनों का इस्तेमाल करना है। अब हमने फिर वो भी पढ़ा कि अगर हमको समय का अंतर दे कि 2 मिनट के अंतर में, 4 मिनट के अंतर में, 6 मिनट के अंतर में, तो आपको करना कुछ भी नहीं है क्योंकि 1 मिनट 6 डिग्री के बराबर होता है। ये कैलकुलेशन हमने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है। अगर 1 मिनट 6 डिग्री के बराबर होता है तो जो भी मिनट आपको गिवेन हो उस मिनट को सिर्फ आप 6 से मल्टीप्लाई कर दे और आपको वो थीटा मिल जाएगा। फिर आपको फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, t=2/11 30 × x + -θ। ध्यान रखें कि अगर अपार्ट की बात करता है, मतलब कितनी दूरी में, 4 मिनट की दूरी में कब होंगी, तो मतलब प्लस और माइनस दोनों अप्लाई करना है। लेकिन सिर्फ आगे की बात करें तो प्लस साइन का इस्तेमाल करें, सिर्फ पीछे की बात करें तो माइनस साइन का इस्तेमाल करें। आप अननेसेसरी 2 बार कैलकुलेशन ना करें। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे ऐसे सवाल जिसमें हमको किसी एक गिवन समय पे अगर एंगल निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, कि अगर 4:50 हो, 3:37 हो, कोई भी ऐसा समय जिस वक्त अगर मिनट हैंड और आर हैंड के बीच का कैलकुलेशन पूछे तो वो सवाल कैसे कर सकते हैं, हम उन सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे।